पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश होने के कारण हरियाणा में ठंड काफी बढ़ गई है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आने वाले दिनों में धुंध पड़ने के आसार भी बढ़ गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव तथा देर रात्रि से पहाड़ों की तरफ से आ रही उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के कारण रात्रि तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। 28 दिसंबर को 1.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस कम है। अगले 3 दिनों यानी 31 दिसंबर तक उत्तर पश्चिमी हवाएं मैदानी क्षेत्रों में चलने से हरियाणा राज्य में रात्रि तापमान में और गिरावट व कहीं कहीं पाला पड़ने की भी संभावना है। इस दौरान वातावरण में नमी अधिक होने से अल सुबह धुंध भी रहने की संभावना है। आपको बता दें कि सर्द मौसम में जब तापमान हिमांक के आसपास या इससे नीचे चला जाता है, तब वायु में उपस्थित जलवाष्प बिना द्रव रूप में परिवर्तित होकर सीधे ही सूक्ष्म हिमकणों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही पाला पड़ना या बर्फ जमना कहा जाता है। दोपहर बाद हवा के ना चलने तथा रात में आसमान साफ रहने पर पाला पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। राज्य में पाला आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के महीने में ही पड़ने की संभावना बनी रहती है। ये पश्चिम विक्षोभ पास करके गए हैं, जिसके कारण अपने यहाँ जो हरियाणा में ज़्यादातर स्थानों पर बादल भाई रही, कोई कद्दूकस स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी हुई और जो ऊपर पहाड़ों में बर्फबारी हुई है, और उसके बाद में अभी अगले 3-4 दिनों में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है और इसमें तापमान में गिरावट आने की संभावना है, खासतौर पर रात्रि तापमान में, क्योंकि अभी जो हवाएँ हैं 2 दिन पहले भी दक्षिण पूर्वी हवा चली रही थी, अभी दोबारा उत्तर पश्चिमी हवाएं चल पड़ी है और पहाड़ों से जो हवाएं आएगी वो ठंडी हवाएं आएगी और उसके कारण रात्रि तापमान में विशेषकर गिरावट देखने को मिलेगी और अगले 3-4 दिनों में जो रात्रि तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा गिरने की संभावना बन रही है और वो पारा भी कहीं कहीं पड़ सकता है, क्योंकि प्रवाही हवाएं भी चली है तो उसके कारण वातावरण में नमी बढ़ गई है और अभी ठंडी हवाएं चलेगी और धरती ठंडी ज़्यादा हो जाएगी, तापमान कम होगा तो धुंध बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अगले 3-4 दिनों आप सुबह और देर रात्रि को धुंध रह सकती है। किसान भाइयों को यह है कि अभी तापमान में गिरावट, जो रात्रि तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी तो उसके कारण विशेषकर सरसों की फसल में इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो इसमें सिंचाई की जा सकती है यदि पानी उपलब्ध हो, यदि पानी उपलब्ध ना हो तो रात के समय कूड़ा करकट इकट्ठा करके उत्तर पश्चिम हवाओं जो चलेगी उस और दिशा से धुआं करें तो आसपास का वातावरण में थोड़ा तापमान बढ़ जाएगा, पाले का प्रभाव नहीं रहेगा। सब्जियां और फलदार पौधों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो सब्जियों में छोटी जो सब्जियां हैं वहाँ उनकी सिंचाई की जा सकती है, रात के समय उसमें पॉलीथीन वगैरह से ढकी जा सकती है या कोई बूरा अपने कूड़ा करकट वगैरह से या आसपास थोड़ा धुआं कर दें तो इस तरीके के किया जा सकता है, और छोटे फलदार पौधों में बोरी टाट वगैरह से बांधा जा सकता है, नर्सरी को कुछ ढका जा सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.